हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल विवाहों पर आपको स्वागत है। मैं फारूक खान, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वैदिक गणित। वैदिक गणित में 16 सूत्र हैं और उप सूत्र टोटल 13 है, ठीक है। इसी में इस वैदिक गणित के द्वारा एक न्यूटन पूर्वेण सूत्र, जो संख्याएं 9 से बनी हुई होती है, जैसे 999, 999, 9999 आदि, अगर इनका वर्ग ज्ञात करना हो तो वर्ग करने ज्ञात करने की ये आधार 10, आधार 100, आधार 1000, आधार 10000 से एक कम है। एक न्यूने मतलब एक कम है, यानी जो संख्याएं 9 से मिलकर बनी हुई होती है उन संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से एक न्यूने पूर्वेण सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, जैसे 99 का वर्ग, 99 का वर्ग, देखिए 99 का वर्ग, 99 का वर्ग अर्थात 99 का 99 में गुणा हम करेंगे, ठीक है। तो एक न्यूने ये, अगर हम 99 का निकटतम आधार देखें तो वो 100 है। निकटतम आधार 100 है, जो जो 99 100 से एक कम है, ठीक है। तो 99 में से अगर एक घटा दिया जाए, देखिए इसका वर्ग करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, 99 100 आधार 100 से एक कम है, 99 में से एक घटाएंगे तो 99 में से एक घटाने पर होगा 99 - 1 = 98 होगा, ठीक है। फिर हम देखें ये 98 को घटा दिया जाए तो बराबर होगा 1। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि 99 का जो निकटतम आधार है उस आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक लिखेंगे। तो इसके पहले हम 0 लगा लेंगे, जिससे हो जाएगा 9801। इस प्रकार 99 का वर्ग होता है 9801। ठीक इसी प्रकार से अगर जैसे हम 9 का वर्ग करें, तो 9 का वर्ग अर्थात 9 × 9, हम देख रहे हैं 9 का निकटतम जो आधार होता है वो 10 है। कितना है? 10, ठीक है। और ये निकटतम आधार 10 से एक कम है, इसलिए 9 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 8, ठीक है। इस 9 में से इस 8 को घटा देंगे तो बचेगा बराबर 1। हम केवल 1 लिखेंगे, कारण कि जो 9 का निकटतम आधार 10 है उसमें केवल 1 शून्य है, इसलिए एक सिंगल अंक 1 लिखा जाएगा। निकटतम आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक लिखे जाते हैं, उसके पहले हम अपने 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये 9 का वर्ग 81 होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर 999 का वर्ग किया जाए तो हम इसे लिखेंगे 999 × 999, ठीक है। ये निकटतम 999 का निकटतम आधार 1000 है। कितना है? 1000, हम इसमें देख रहे हैं 3 शून्य, ठीक है। तो यहां 999 में से अगर एक कम किया जाए तो होगा 998, ठीक है। 999 में से 998 को घटा दें तो बचेगा 1, लेकिन इसके निकटतम आधार में 3 शून्य है, इसलिए 3 अंक लिखेंगे 001, इसलिए 999 का वर्ग होगा, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 998001, ठीक है। इस प्रकार किसी भी अंक का जो 9 से मिलकर बना है हम उसका एक न्यूनतम पूर्ण पूर्वेण सूत्र के द्वारा वर्ग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे सरलता से एक एक सूत्र में एक ही रूप में हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे अगर हम लें प्रकार 9999 का वर्ग, अर्थात 9999 में 9999 का गुणा, देखिए 9999 का निकटतम जो आधार है वो है 10000। ये 9999 10000 से केवल एक कम है, तो हम इसमें से एक कम कर देंगे तो बचेगा 9998, ठीक है। इस 9999 में से इसे 9998 को घटाएंगे तो बचेगा 1, लेकिन हम देख रहे हैं जो निकटतम आधार 10 है उसमें 4 शून्य है, इसलिए 4 अंक लिखेंगे, इसलिए 1 के पहले 3 शून्य बढ़ा लेंगे, कुल टोटल 4 अंक हो जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर हम देखें तो 9999 का जो वर्ग है, देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, 9 करोड़, 99 लाख, 80000, 1, ठीक है। इस प्रकार
किसी भी 9 से बनी हुई संख्या का वर्ग आसानी से एक न्यूमेरिकल कोवेंट सूत्र के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।